क्या है जहांगीरपुरी हिंसा और इस हिंसे के पीछे की क्या है वजह? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इस हिंसा के पीछे की वजह के एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हनुमान जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस शोभा यात्रा के बीच में कुछ शरारती तत्वों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू कर दिया और यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने भी पत्थर फेंकने वालों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और इस तरह दोनों पक्षों में हुए इस पथराव ने एक हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसक झड़प के बाद पूरे जहांगीरपुरी इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य बलों के सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इलाके में डेरा डाले हुए हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। सी ब्लॉक में हर गली में पुलिस के जवान देखे जा सकते हैं और लोगों को बेवजह बाहर न निकलने के प्रति आगाह किया गया है। एहतियात के तौर पर दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में स्थिति में सुधार हो रहा है और जल्द ही इलाके में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। पुलिस और प्रशासन तनाव को कम करने के लिए समाज के बुजुर्गों से बात कर रहे हैं। समाज के बुजुर्ग भी दोनों समुदायों से इलाके में शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। स्थानीय मस्जिद सलाहुद्दीन के इमाम ने हिंसा को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि युवाओं से क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास करने का आग्रह किया गया है। सलाहुद्दीन ने IANS से कहा, हमने अब सुबह प्रार्थना करने वालों से किसी भी अफवाह या भड़काऊ बयान का जवाब नहीं देने की अपील की है। हम यहाँ कई सालों से साथ रह रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करते रहेंगे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था जब IANS संवाददाता ने इलाके में रहने वाले लोगों से बात की, लेकिन सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो जाएगी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी लोगों से अफवाहों पर प्रतिक्रिया न देने की अपील कर रहा है। पहले राजस्थान का करौली जिला और अब दिल्ली का जहांगीरपुरी। लगातार हो रहे इस तरह के विवाद के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लीजिए।